दिखावे की दुनिया में दिखाते ही रह गए, जो सादगी में थे वो आगे निकल गए। दोस्तों, कहा जाता है कि पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है, क्योंकि पैसे में एक ऐसा नशा होता है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि जब किसी इंसान को नाम, दौलत, शोहरत या कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर एक अलग सा घमंड आ जाता है और वह अपनी इस कामयाबी का दिखावा करने लगता है। अब यूं तो दुनिया में शो ऑफ करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है और आपको अपने चारों तरफ भी ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितने ही अमीर या कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो फिर भी अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और दोस्तों, आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो बेहद कामयाब होने के बाद भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और कभी भी अपनी कामयाबी या शोहरत का शो ऑफ नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे मजे हुए एक्टर्स में से एक नाना पाटेकर के बारे में। अब हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो में मौजूद बाकी सभी सेलिब्रिटीज के मुकाबले नाना पाटेकर सबसे ज्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि वह जिस फील्ड से आते हैं वहाँ शो ऑफ करना लोगों के काम का हिस्सा होता है और ऐसे में उनका शो ऑफ न करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। वह इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि अगर वह चाहें तो बड़े आराम से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी भी शो ऑफ नहीं करते और हमेशा सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वैसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वह एक छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहते हैं। इसके अलावा जहाँ दूसरे सेलिब्रिटीज बड़ी बड़ी और लग्जरियस गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं नाना आज भी अपनी महिंद्रा जीप के 1955 मॉडल को चलाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि नाना शायद कंजूस हैं, लेकिन असल में वह इन सभी चीजों को फिजूल खर्च मानते हैं और वह अपना पैसा गरीब और जरूरतमंद लोगों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद से उनकी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। और इस बात से पता चलता है कि वह एक बड़े स्टार होने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाने वाले फॉर्मर चेयरमैन और टाटा सन्स रतन टाटा के बारे में, क्योंकि सिंप्लिसिटी की जब भी बात होगी उसमें रतन टाटा का नाम तो जरूर शामिल किया जाएगा। वैसे यह बात तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि रतन टाटा भारत के जरूरतमंद लोगों की कितनी ज्यादा मदद करते हैं। असल में टाटा को यह सीख उनके परिवार से ही मिली है, क्योंकि शुरुआत से ही इस परिवार के लोग खुद से पहले देश और देश के नागरिकों की सहायता करते हुए नजर आए हैं। और इसका सबूत यह है कि टाटा ग्रुप कंपनी की 65% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग उनके द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाई गई चैरिटेबल संस्थाओं के पास है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि टाटा कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत के लोगों की मदद के लिए जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी रतन टाटा अपने पर्सनल हिस्से में से भी समय समय पर करोड़ों रुपए दान करते आए हैं। और भारत के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो रतन टाटा ही वह व्यक्ति है जो कि सरकार से पहले भी उन लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। अब रतन टाटा भले ही पैसों के हिसाब से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन दिल के मामले में वह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। क्या दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सुंदर पिचाई को इस समय दुनिया के सबसे कामयाब CEOs में शुमार किया जाता है। वैसे आज भले ही वह कामयाबियों की बुलंदियों पर हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कभी भी नहीं भूलते और हमेशा दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। दरअसल सुंदर पिचाई का जन्म सन 1972 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनका शुरुआती जीवन चेन्नई शहर के अशोक नगर इलाके के एक 2 रूम के अपार्टमेंट में बीता था। हालांकि आज की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सुंदर पिचाई की एक दिन की कमाई 5,87,00,000 रुपए है, जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी जिस तरह से वह एक सिंपल लाइफ जीते हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से रजनीकांत सर के बारे में। अब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि भारत के अंदर रजनीकांत को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि बहुत से लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं।
और उनके अलावा दुनिया के किसी भी मूवी स्टार को इतना बड़ा सम्मान कभी भी नहीं दिया गया है। लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुँच कर भी वह जिस तरह से सिंपल लाइफ जीते हैं, यह अपने आप में ही एक कमाल की बात है। दरअसल बैंगलोर शहर में जन्मे शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत ने फिल्मों में आने से पहले काफी स्ट्रगल किया था। पर आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एक समय पर वह सामान उठाने वाले कुली और एक बस कंडक्टर का काम किया करते थे, और यही वजह है कि आज वह इतने सिंपल नजर आते हैं। रजनीकांत दुनिया के अकेले ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्म फ्लॉप हो जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुए नुकसान के पैसे अपनी जेब से भरते हैं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी करना, शूटिंग के लिए सेट पर सबसे पहले पहुंचना, अपनी कार खुद ड्राइव करना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना उन्हें दुनिया के दूसरे सुपरस्टार से बिल्कुल अलग बनाता है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं पूर्व भारतीय बल्लेबाज, कप्तान और महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बारे में। वैसे दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि राहुल द्रविड़ के बारे में न जानता हो, क्योंकि एक समय पर वह भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। अब हम सभी यह तो जानते हैं कि वह कितने कामयाब और कितने बड़े दर्जे के क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन इतनी कामयाबी और शोहरत भी कभी उनकी सिंप्लिसिटी पर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि जहां दूसरे क्रिकेटर्स आए दिन नए नए विवादों में पड़ते रहते हैं, वहीं द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़े, और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सबसे कूल माइंडेड क्रिकेटर्स में शुमार किया जाता है। और दोस्तों, द्रविड़ हमेशा से ही अपने फैंस का सम्मान करते हुए आए हैं और मौका मिलने पर वह उनसे पर्सनली मिलने के लिए भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उनका प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर करना, बैंगलोर शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट में घूमना और टैलेंटेड क्रिकेटर्स की आगे बढ़ने में मदद करना उन्हें एक महान क्रिकेटर के साथ ही एक अच्छा इंसान भी बनाता है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनके बिना हमारी आज की यह लिस्ट पूरी हो पाए। दरअसल अब्दुल कलाम जी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें देश का हर एक नागरिक प्यार करता था, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल DRDO और इसरो में काम करते हुए बिताए, और बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए किए गए काम की वजह से उनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ गया था। पर अपने जीवन में इतना कामयाब होने के बाद भी वह हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जीना प्रेफर करते थे, और APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत सारी वीडियोस आप लाइव हिंदी चैनल पर देख सकते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले विप्रो कंपनी के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेम जी के बारे में। अब सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अजीम प्रेम जी एक बड़े बिजनेस टाइकून होने के साथ ही अपने सादगी भरे जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। अब यूँ तो वह हमेशा ही भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं, लेकिन आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि जो इस समय उनकी नेटवर्थ है वह उससे 4 गुना ज्यादा संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा की तरह ही अजीम प्रेम जी भी अपने बड़े बड़े डोनेशंस करने के लिए जाने जाते हैं, और साल 2020 में उनके द्वारा की गई डोनेशंस का अगर हिसाब लगाया जाए तो इस साल उनके डोनेशंस 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन निकलकर सामने आती है, और ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। दरअसल अजीम प्रेम जी उन लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोगों पर कोई मुसीबत आने पर उनकी मदद के लिए सबसे पहले सामने आते हैं, और उनकी यही चीज उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ ही एक महान इंसान भी बनाती है, और वह भी अपनी लाइफ को बिल्कुल आम लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे भारतीय लोग जो कि अमीर होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ हैं। बाकी आपके हिसाब से अगर लिस्ट में कोई रह गया हो तो हमें कमेंट करके बताना।